हेलो फ्रेंड, आज एक नया वीडियो में आपको स्वागत है। आज गैरेज में आया हीरो एजेप डिलक्स, तो इसमें पिकअप का बहुत प्रॉब्लम था। गाड़ी बिल्कुल भाग नहीं रहा है, गाड़ी बिल्कुल पूरा रेस हो रहा है। गाड़ी क्लच छोड़ने के बाद में वो गाड़ी बिल्कुल भागने का चांस नहीं है, तो उसका क्लच प्लेट गया है। और अभी देखिए क्लच का हालत देखिए कैसा हो गया है। अभी क्लच कवर मैंने खोल दिया, अंदर से देखिए कैसा प्रॉब्लम हो गया। देखिए अंदर इसका हाउजिंग भी निशान आ गया हाउजिंग को, तो उसको रेथी का मदद से उसको सही करेंगे। और जो क्लच प्लेट देखिए कैसा हालत हो गया है इसका। पूरा फूका है क्लच प्लेट, सेंटर हब अच्छा है, चल जाएगा। और क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट उसमें नया डालेंगे। अभी सारे चीज़ मैंने उसके वॉश कर लिया है, सारे चीज़ क्लच प्लेट डालेंगे और प्रेशर प्लेट डालेंगे और फिटिंग करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। रेथी का मदद से उसको अच्छा तरह से पॉलिश मार लिया है। अभी क्लच प्लेट फिटिंग कर दिया। क्लच प्लेट फिटिंग करने के समय में ये देख लीजिए कि इतना प्ले रहना ज़रूरी है, नहीं तो अगर ये प्ले नहीं रहेगा तो क्लच सही से वर्किंग नहीं करेगा, गियर हार्ड गिरेगा। क्लच खोलते वक्त ये देख लीजिए, ये जो बेयरिंग रहता है ये बेयरिंग में प्ले बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर प्ले ज़्यादा रहेगा तो इसकी बदल दीजिए, नहीं तो फिर से आप क्लच खोलना पड़ेगा। इसका जो रोटर का पैकिंग कट गया था उसको मैंने नया डाल रहा हूँ। अगर रोटर का पैकिंग आप नया डालेंगे, नहीं डालेंगे, कटा हुआ ऐसे छोड़ देंगे तो उसका क्रैंक में ऑयल नहीं जाएगा, तो उसमें पैकिंग डालना ज़रूरी है। अभी सारी चीज़ फिटिंग कर लिया, अभी मिंडा का ऑयल डाल रहा हूँ उसमें, मिंडा का। क्लच प्लेट फिटिंग करने के वक्त ये देख लीजिए, फ्लीपर में इतना प्ले रहना ज़रूरी है, ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा ढीला भी नहीं। अगर ज़्यादा ढीला रहेगा तो गियर हार्ड गिरेगा, ज़्यादा टाइट जाएगा तो क्लच सही से वर्क नहीं करेगा, पिकअप नहीं लेगा गाड़ी। मैं तो बिल्कुल पिक नहीं बढ़ रहा था, देखिए अभी सही सही वर्क कर रहे थे। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब होने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएं। सही से क्लच वर्क कर रहे हैं, देखिए मैंने सारी चीज़ चेक कर रहा हूँ। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और कमेंट करें।